नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी खबरों के बारे में। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जो जुड़ी हैं आपसे और हमसे। साथ ही आपको बताएंगे कि आज 3 बजे तक देश में कौन सी घटनाएं रही जो प्रमुख खबर बनी। पहली खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविदास जयंती के मौके पर दिल्ली के करोल बाग के रविदास मंदिर पहुंचे, जहां रविदास मंदिर में पीएम मोदी ने दर्शन के बाद वहां मौजूद महिलाओं संग कीर्तन में हिस्सा लिया और मंजीरा भी बजाया। बता दें कि इससे पहले कल पीएम मोदी ने ट्वीट कर संत रविदास की पूजा करते हुए कई तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसमें पीएम मोदी ने लिखा था कि महान संत गुरु रविदास जी की जन्म जयंती है, जिन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन समाज से जात पात और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया, वो आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर मुंबई से है, जहां गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। बता दें कि 69 वर्षीय बप्पी लहरी ने मुंबई के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। दरअसल बप्पी लहरी रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन से ग्रसित थे। बप्पी दा को ओएसए की परेशानी पिछले एक साल से है। डॉक्टर दीपक नामजोशी उनका इलाज कर रहे थे। इस गंभीर समस्या के कारण बप्पी दा जुहू स्थित क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में 29 दिनों तक भर्ती थे। निधन से एक दिन पहले 15 फरवरी को ठीक होने पर वो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए थे, लेकिन अस्पताल से छुट्टी होने के बाद एक दिन बाद ही उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ गई। उन्हें वापस गंभीर हालत में क्रिटिकेयर अस्पताल लाया गया। रात लगभग 11:45 पर उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांस ली। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की कोशिश की पर नाकामयाब रहे। आपको बता दें कि तीसरी बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां ग्रामीणों ने सड़क बनवाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि ग्रामीणों ने गांव अहिरनपुरवा से आनंदपुरवा तक रोड बनाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि अहिरनपुरवा गांव में जब बारिश होती है तो इस रास्ते पर लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं किसी के बीमार हो जाने पर गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार सड़क बनवाने की मांग की गई, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। प्रदर्शनकारियों ने कहा, इस बार जो वोट मांगने गांव में आएगा उसका विरोध किया जाएगा। तो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। एक पहली दिल्ली से रविदास जयंती पर दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी मुंबई से बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया 69 वर्ष की उम्र में, लगभग 1 महीने से वो बीमार थे। तीसरी बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां पर ग्रामीणों ने विरोध किया है कि अगर सड़क नहीं बनी है अभी तक तो अब वो वोट नहीं देंगे, और ऐसे में वो आला अधिकारियों का विरोध कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं जो भी व्यक्ति वोट मांगने आएगा उसका विरोध किया जाएगा। और पहली बड़ी खबर जो दिल्ली से है, इस पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपका स्वागत है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, संत के दर्शन करते हैं, साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि भेदभाव की जिन्होंने जिक्र किया कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच का विरोध किया, ऐसे में वो उनको प्रेरणादायी मानते हैं। तो ऐसे में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी बेला में इसके क्या और मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, चुनाव का शोर है इसीलिए आस्था पर जोर है जी। आपने देखा होगा पिछले कई चुनाव से एक आस्था परक जी प्रचार शुरू हो गया। अब हमारे जब भी नेता मंत्री कहीं जाते हैं तो उस स्थान में जो मंदिर या मठ जो है प्रसिद्ध होता है वहां जरूर जाते हैं, वहां के डेरे पर भी जाते हैं जी। और उसका एक कारण और भी होता है, उसका कारण होता है कि जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उन पर वे अपनी एक प्रभाव डालते हैं कि देखिए, हम तो आपके जो गुरु हैं, आपके जो संत हैं, आपके जो महात्मा हैं, जो आपके आराध्य हैं, हम उनकी शरण में हैं।
इसका प्रभाव भी डालते हैं। हाँ। पंजाब पंजाब में तो काफी देखने को मिलता है। अब संत रविदास की आज जयंती और आपने देखा कि वाराणसी से मुख्यमंत्री चन्नी आते हैं सुबह सुबह वाराणसी में। और वाराणसी क्यों? क्योंकि रविदास जयंती का जन्म वाराणसी में हुआ था, वहां पर एक मंदिर बना हुआ है, माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। बिल्कुल, वो आते हैं, वो नमन करते हैं, लंगर में भाग लेते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहां पर राहुल गांधी आते हैं, प्रियंका गांधी आते हैं, ये तो दिग्गज हैं। लेकिन ऐसे तमाम लोगों की आज भीड़ लगी रही। सवाल भी पूछ लिया गया, चन्नी से पूछा गया कि आप दलित वोट बैंक के कारण आप रविदास मंदिर में आ गए। उन्होंने कहा ये तो बात की बात है, मैं तो संत के प्रति नमन और श्रद्धा व्यक्त करने आया हूं। और उन्होंने ये भी कहा सीधे तौर पर कि देखिए हम दलित की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरा परिदृश्य देखा जाए तो सिर्फ दलित की राजनीति की बात है। और संत रविदास ने जो संदेश दिया था कि मन चंगा कठौती में गंगा, वो एक बहुत बड़ी बात है राजनीतिज्ञों के लिए कि कम से कम वो अपना मन शुद्ध कर लें, आचरण शुद्ध कर लें, अपने जीवन को पवित्र बना लें, शायद सब कुछ इनको प्राप्त हो जाएगा। दूसरी चीज, संत रविदास ने छुआछूत के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ जो आह्वान किया और जो उसके लिए संघर्ष किया, आज जरूरत इस देश को वो भी है कि संत रविदास के इन आदर्शों को भी आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए संघर्ष किया जाए। आशा है कि ये चुनाव का दौर निश्चित रूप से आस्था का जोर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिज्ञों को ये प्रेरणा भी देगा। बिल्कुल, राजनीतिज्ञों को प्रेरणा भी देगा, लेकिन इसके सियासी मायने जिस तरीके से आपने समझाने की कोशिश की डॉक्टर रमेश वर्मा जी, वो बिल्कुल सच है कि आज के दौर में जयंती हो या कोई ऐसा त्यौहार हो जहां पर जो नेतागण हैं वो उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनको सियासी फ़ायदा मिले। आपने भी जिक्र किया वाराणसी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार वाराणसी में थे जो उन्होंने पूजा की थी जब जयंती पर, और ऐसे में आज योगी, चन्नी, प्रियंका, राहुल सब पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश का जो वोटर्स है, जो इस कैटेगरी से आता है, एससी है, ऐसे में डॉक्टर रमेश वर्मा जी क्या उन पर ये सभी राजनीतिक दल प्रभाव डाल रहे हैं? देखिए, दलितों में जी अपना एक वोट बैंक है, हाँ, वो बसपा के साथ में जुड़ा हुआ जी। और जो दूसरा वोट है, देखिए एक विशेष वर्ग है जाटो जिसको कहते हैं, जाटो वो पूरी तरीके से बसपा के साथ जुड़ा हुआ है जी, सीधे तौर पर जो रविदास के मानने वाले लोग हैं। हाँ। दूसरी ओर एक गैर जाटो वोट है, हाँ, दलित, तो उस पे तो सारे लोग बंटवारा, बीजेपी भी उसमें हाथ डालती, सब लोग डालती है। लेकिन अब प्रयास इस बार ये हो रहा है कि जो बसपा का वोट है, जो मायावती का वोट है जी जी, उसको भी प्राप्त किया जाए। हाँ। और उसको प्राप्त करने के लिए ही जी, अगर देखा जाए तो एन केन प्रकार ने संत रविदास के चरणों पे ये दिग्गज नेता पहुंचे हैं जी, क्योंकि जी, इस बार कुछ भी कहे मायावती, भले ही कहें कि सरकार मेरी बन रही है, सर्वे आपके झूठे हैं, सब कुछ है, लेकिन सच बात तो ये है कि बसपा बिल्कुल सीन से बाहर हो गई है। और उसका जो वोटर है, जो उसका वोट बैंक है, वो भी सोच रहा है किधर जाए किधर जाए। आज इसी उधेड़बुन में पड़े दलित वोट बैंक को अपनी अपनी ओर खींचने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल और उनके प्रत्याशी लगे हुए हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो रविदास जयंती पर सभी मत्था टेक रहे हैं, उनके दर पर जाकर लंगर छक रहे हैं, और ऐसे में सबको वोट चाहिए, सियासी फायदा सबको नज़र आ रहा है। जो आपको बता दें, अगली बड़ी खबर है वो मुंबई से है, जहां गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया है। आपको बता दें, 69 वर्षीय बप्पी लाहिड़ी ने मुंबई के एक अस्पताल क्रिटिकेयर में, वहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। हालांकि वो लगभग 29 दिनों से बीमार चल रहे थे। आपको बता दें, बहुत कम उम्र से उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने 3 साल की उम्र में ही तबला बजाया था,
तबला बजाना यूं कह ले शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने ट्रेनिंग भी ली संगीत की और ऐसे में 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने गायकी से जुड़ाव शुरू कर दिया था। साथ ही साथ अगर बात करें 17 साल की उम्र में वो संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर बनने की स्थिति में आ गए थे। एक दशक ऐसा था जब जो गाने थे वो नॉर्मल गाने पसंद किए जाते थे, लेकिन वो डिस्को डांस लाए, उन्होंने इस तरीके का क्रिएशन किया, क्रिएटिविटी की और डिस्को डांस को उस दशक में लेके आया। 80 से 90 के दशक में वो डिस्को डांस को लेकर के आया, जिससे लोगों ने बहुत सराहा और पसंद बहुत किया लोगों ने। और ऐसे में आज उनका आपको बता दें निधन हो चुका है। हालांकि रात को 11:45 पर उनका निधन हो गया था। और ऐसे में मुंबई की जो बॉलीवुड है उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और इस पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ गायक अल्ताफ रजा हमसे जुड़ गए हैं। अल्ताफ रजा जी, आपका स्वागत है जीएमडी न्यूज में। सबसे पहले जी अल्ताफ रजा जी, आप बॉलीवुड में कितनी बड़ी क्षति देख रहे हैं या पूर्णी क्षति है? तो अब ये जीनियस जितने भी जो लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर थे उनमें बप्पी लहिरी बचे हुए थे जी, और बड़ी दुख की खबर है कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने मगर इतना खजाना दिया है कि लोग उनके गानों से हमेशा महसूस होते रहेंगे, चाहे रिस्टो हो, पंक हो, गजल हो, कवाली हो, रोमांटिक सॉन्ग्स हो, कैबरे हो, हर किस्म के सॉन्ग कंपोज करने में उन्हें महारत हासिल थी और बहुत अच्छे खुद भी सिंगर उनके गाने गाए हुए भी कितने हिट हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है इंडस्ट्री के लिए। अल्ताफ रजा जी, जिस वक्त रोमांटिक गाने चलते थे उस वक्त ये डांस, डिस्को डांस को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया था, बहुत बड़ी बात थी और लोगों ने पसंद भी बहुत किया था जी। जी अल्ताफ रजा जी, इस पर आपका क्या नजरिया है कि उन्होंने एक एक नया ही फ्लेवर लेकर के आए थे, नया ही फ्लेवर लेकर के आए थे उस दौर? ये तो पहले के अपना कंपोजर की अपना खूबी होती थी कि हर एक का अपना एक फ्लेवर होता था। पंचम दा ने भी उसके पहले डिस्को दिए हैं, बहुत दिए हैं जी, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से उसको ऑर्केस्ट्राइजेशन, जो आज ऑर्केस्ट्राइजेशन है ही नहीं, उन्होंने अपने ऑर्केस्ट्राइजेशन से उसको एक नया फ्लेवर दिया। और हरिओम हरी, डिस्को डांसर, दम अपना अपना, और भी कितने उन्होंने बनाए हैं पॉप गाने, लेकिन वैसे ही उन्होंने गजल भी दिए। उन्होंने अपना किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, और बहुत से सलमा आगा के साथ भी उन्होंने गजलों का पूरा एल्बम, रूना लैला के साथ, और क्लासिकल भी बहुत उन्होंने हर चीज उन्होंने महारत हासिल। अल्ताफ रजा जी, अगर आप उनकी याद में कोई गजल गुनगुना दे। उनकी याद में बहुत सी उनकी गजलें हैं और अपना गीत है, कोई भी है सर। दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहिए, पूजा करें, सजदा करें, जैसे कहो तुम ही चाहे। उनका बहुत मशहूर गीत है, उनका खुद का गाया हुआ गीत है, ठीक है। अल्ताफ रजा जी गोल्ड बहुत पहनते थे बप्पी दा जी, इस पर कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें गोल्डन मैन भी कहा जाता था। ये पर्सनल, देखिए ये कोई अपना वो सवाल नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आप अपना ये चश्मा लगाते थे, उनके आंखों के अंदर वो कुछ प्रॉब्लम था, तो आज वो डार्क कलर का चश्मा पहनते थे। गोल्ड पहनने का है तो वो उनका शौक है, तो वो उनका शौक के ऊपर, वो मैं क्या कर सकता हूँ, उनका एक अपना शौक है जी। उसको तो कोई अपना उसमें क्रिटिसाइज कोई कर ही नहीं सकता ना। लता जी हमेशा व्हाइट साड़ी पहनती थी, नहीं ये मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता था गोल्ड पहना। अब अल्ताफ रजा जी पश्चिम बंगाल से आते थे बप्पी दा, वहीं जन्मे थे जलपाईगुड़ी में, ऐसे में पश्चिम बंगाल के लोगों को कितना दुख झेलना पड़ रहा होगा, वो फील कर रहे होंगे उस दुख को कि बप्पी दा अब उनके बीच नहीं, क्योंकि उन्होंने देखिए म्यूजिशियंस के जाने का सभी को, फैंस को तो दुख होता ही है, लेकिन इंडस्ट्री को भी एक नुकसान होता है। तो बंगाल से ऐसा ही नहीं कि वो खाली अपना बंगाल से ही लोग उनसे मोहब्बत करते थे, पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती थी, तो सभी के लिए नुकसान है। चलिए अल्ताफ रजा जी, अगर आप कोई अपनी एक गजल अगर उनके लिए गुनगुनाना चाहें।
नहीं, मैं तो देखिए उन्हीं का गीत मैं उनको अपना ये अपना श्रद्धांजलि दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसे वक्त में वही गीत है कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अल्ताफ राजा जी, आपका शुक्रिया जीएमडी न्यूज से जुड़ने के लिए, उनसे बात करने के लिए। वाकई में कभी अलविदा ना कहना, और आज हालांकि वो पप्पीदा अलविदा कह के इस दुनिया से जा चुके हैं, और ऐसे में उनकी यादें हम सब के बीच हमेशा रहेंगी। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो बलरामपुर से है, जहां ग्रामीणों ने सड़क बनवाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी वोट मांगने आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। साफ तौर पर उनका यह भी कहना है कि अधिकारियों से इस पर बात की गई, लेकिन अधिकारी जो है वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं, वो कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अनसुना करते हैं उनकी बातों को। तो आपको बता दें, बलरामपुर से अगली खबर है, आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं, तीसरी तस्वीर जो है वो बलरामपुर से, जहां पर ग्रामीण जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सड़क है वो नहीं बनवाई गई है प्रशासन की तरफ से। ऐसे में वो नेताओं से नाराज़ हैं, आला अधिकारियों से नाराज़ हैं, संबंधित विभाग के। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भी वोट मांगने आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। सीधी सी बात है, हालांकि उन्होंने जिन शब्दों में विरोध अपना दर्शाया है वो हम टेलीविज़न पे आपको बता नहीं सकते हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन की बात की है, और शायद वो अंदर से बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि बताते हैं जब कोई बीमार होता है तो वहाँ पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच पाती, बारिश में कीचड़ हो जाता है और जो सड़कें हैं वो भर जाती हैं, ऐसे में उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वो अपना विरोध जता रहे हैं आला अधिकारियों के खिलाफ, और साथ ही साथ नेताओं से अपना विरोध इसलिए दर्शा रहे हैं क्योंकि जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में वो 5 साल में एक बार वोट मांगने आते हैं, और अगर वो क्षेत्र का विकास नहीं कराते हैं तो ऐसे में जनता उनका विरोध ज़रूर करती है, विरोध करना लाजमी है। उसी के चलते बलरामपुर की जनता ने विरोध किया है, ग्रामीणों ने नारे लगाए हैं अधिकारियों के विरोध में, नेताओं के विरोध में। साफ तौर पर उनका कहना है, रोड नहीं तो वोट नहीं, अगर रोड नहीं बनवाएंगे तो वोट देने वो नहीं जाएंगे, सीधा सा उनका कहना है ग्रामीणों का। तो बलरामपुर में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं ग्रामीण, उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई भी नेता अगर वोट मांगने आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा, रोड नहीं तो वोट नहीं। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ग्रामीण जो हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो रोड है बनवाई जाए, बारिश के दिनों में रोड की हालत बद से बदतर हो जाती है, ऐसे में इनका निकलना दूभर होता है, दुपहिया वाहन फिसल कर गिर जाते हैं, ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन लाजमी हो जाता है क्योंकि चुनाव की बयार है, चुनावी मौसम है। ऐसे में नेता अपने अपने क्षेत्रों में वोट मांगने के लिए जाते हैं, इसी को लेकर के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राहुल रत्न हमसे जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, क्योंकि ग्रामीण बड़े ही गुस्से में नजर आ रहे हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बता भी नहीं सकते हैं, जिस तरीके से आपने अपडेट दिया था। क्या कुछ अभी हालात है, क्या अभी विरोध प्रदर्शन जारी है, क्या कोई नेता वहां पहुंचा है, क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है रोड के मुद्दे पर? सर, हम आपको बता दें, ये बलरामपुर जनपद से जंगल के बगल में ही है, जंगल और कई इलाके हैं, कई गांव हैं, इनका प्रदर्शन डेली चलता है, और इनका साफ तौर से कहना ये है कि वोट नहीं तो
सड़क नहीं, जब तक सड़क नहीं बनती है जब तक हम सब वोट नहीं डालने जाएंगे। और उनका महिलाओं का यही कहना है कि जो कोई भी नेता हमारे गांव में आएगा उसके झाड़ू चप्पल से मारेंगे। हाँ, इस तरीके की बयानबाजी हालांकि ग्रामीणों ने की है, हालांकि टीवी स्क्रीन पर हम ये बात नहीं बोल सकते हैं, हालांकि ग्रामीण बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। क्या उस रोड पे आप गए हैं राहुल रत्न जी, आपने देखी उस रोड की जर्जर हालत, क्या कुछ स्थिति है उसको बताने की कोशिश करें। सर हम आपको बता दें, हाँ। उस रोड की इतनी बुरी हालत है कि हम आप सोच नहीं सकते हैं। और ये गांव नहीं, बलरामपुर जनपद में कई सैकड़ों गांव हैं जो वहां के लोग गुजरना बहुत मुश्किल है। जैसे वहां ट्रक जाती है या गले से लगा से जाता है या फिर टाइसी से जाता है तो कला नुकसान ले जा सकता है। ठीक है राहुल, गांव वाले से जाते हैं, बात करने की कोशिश की, क्या कुछ कहना था सर? वहाँ के जो आलाधिकारी हैं वे इस बयान को लेकर कुछ बोल नहीं रहे और बाइक देने भी कतरा रहे हैं। वहाँ कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए या एम्बुलेंस उस गांव में नहीं जा सकती है। बिल्कुल राहुल, अपने आप में ये बहुत बड़ी समस्या है उन ग्रामीणों के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो ग्रामीणों की ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर के वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालांकि जो उन्होंने बयान जारी किया है, ऐसे में राहुल रत्न ने वो उस बयान का भी जिक्र किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए जीएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।